हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश। फ्रेंड्स, अगर आप भी अपना इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं डेली आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आता हूँ ताकि आप अपने इंग्लिश को इंप्रूव कर सकें। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, आज आप देर से घर आए हैं। यू आर होम लेट टूडे, यू आर होम लेट टूडे, आज आप देर से घर आए हैं। यू आर होम लेट टूडे, क्या मैं खाना लगा दूँ? शैल आई सर्व डिनर, शैल आई सर्व डिनर, क्या मैं खाना लगा दूँ? राघव ने खाना खाया, हैज़ राघव ईटन, हैज़ राघव ईटन, राघव ने खाया। तो गाइज ये पूछता है राघव ने खाया, हैज़ राघव ईटन, तब ये बोलता है गाइज वह खा नहीं रहा है, ही हैज़न्ट बीन ईटिंग, ही हैज़न्ट बीन ईटिंग, वह खा नहीं रहा है। जब से उसने प्रवेश परीक्षा दिया है, एवर सिंस ही हैज़ रिटन हिज एंट्रेंस एग्जाम्स, एवर सिंस ही हैज़ रिटन हिज एंट्रेंस एग्जाम्स, जब से उसने प्रवेश परीक्षा दिया है, परिणाम का डर उसे जिंदा खा रहा है। द फियर ऑफ द रिजल्ट हैज़ बीन ईटिंग हिम अलाइव, द फियर ऑफ द रिजल्ट हैज़ बीन ईटिंग हिम अलाइव, परिणाम का डर उसे जिंदा खा रहा है। वह कहाँ है? वेयर इज ही, वेयर इज ही, वह कहाँ है? जाओ खाना लगाओ, सेट अ प्लेट फॉर हिम, सेट अ प्लेट फॉर हिम, जाओ खाना लगाओ। आगे देखते हैं गाइज, ये अपने फ्रेंड को कॉल करके पूछते हैं, सो रहा है क्या? आर यू स्लीपिंग, आर यू स्लीपिंग, सो रहा है क्या? तब इसका फ्रेंड बोलता है, सोने देगा तब ना, आई वुड वी इफ़ यू लेट मी स्लीप, आई वुड वी इफ़ यू लेट मी स्लीप, सोने देगा तब ना, आई वुड वी इफ़ यू लेट मी स्लीप। एक बोलता है, एक डाउट है क्लियर करना था, आई वॉन्टेड टू क्लियर अ डाउट, आई वॉन्टेड टू क्लियर अ डाउट, एक डाउट है क्लियर करना था। तब ये बोलता है, मैं वादा करता हूँ कि यह आखिरी बार होगा, आई प्रोमिस दिस विल बी द लास्ट टाइम, आई प्रोमिस दिस विल बी द लास्ट टाइम, मैं वादा करता हूँ कि यह आखिरी बार है। इसका फ्रेंड बोलता है, गाइज कौन सा कठिन था, इस समय की प्रवेश परीक्षा या अंतिम समय का? विच वन वॉज टफर, दिस टाइम्स एंट्रेंस एग्जाम और लास्ट टाइम्स, विच वन वॉज टफर, दिस टाइम एंट्रेंस एग्जाम और लास्ट टाइम, कौन सा कठिन था, इस समय की परीक्षा या अंतिम समय का? सिर्फ तेरा मैथ अच्छा गया, सबका गया? Who did well the mathematics? Just you or everyone? Who did well the mathematics? Just you or everyone? सिर्फ तेरा मैथ अच्छा गया या सबका? आगे बोलता गाइज, सबकी फिजिक्स खराब हुआ या सिर्फ तेरा? Who didn't do well in physics? Just you or everyone? Who didn't do well in physics? Just you or everyone? सबकी फिजिक्स खराब गई या सिर्फ तेरा? आगे बोलता है, यही पूछना है ना तुझे? दिस इज़ वॉट यू वॉन्ट टू नो, दिस इज वॉट यू वॉन्ट टू नो, राइट, यही पूछना है ना तुझे? दिस इज़ वॉट यू वॉन्ट टू नो। आगे देखते हैं गाइज, सॉरी यार मैं थोड़ा चिंतित हूँ, सॉरी मैन आई एम जस्ट अ लिटिल वरीड, सॉरी मैन आई एम जस्ट अ लिटिल वरीड, सॉरी यार मैं थोड़ा चिंतित हूँ। आगे बोलता है, फिर अकेले टेंशन क्यों लें? वाई सफर अलोन देन, वाई सफर अलोन देन, फिर अकेले टेंशन क्यों लें? चलो सूरज को भी जगाते हैं, लेट्स वेक सूरज अप एज वेल, लेट्स वेक सूरज अप एज वेल, सूरज को भी जगाते हैं। तब उसको कॉल करते हैं गाइस, तो ये बोलता है राघव अपने परिणाम को लेकर चिंतित है, राघव इज वरीड अबाउट हिज रिजल्ट्स, राघव इज वरीड अबाउट हिज रिजल्ट्स, राघव अपने परिणाम को लेकर चिंतित है। कुछ करना भाई, डू समथिंग ब्रो, डू समथिंग ब्रो, कुछ करना भाई। इसका फ्रेंड बोलता है गाइज, यार माना कि हम दोस्त हैं जिसको तू दिन में किसी भी समय कॉल कर सकता है, आई नो दैट वी आर द फ्रेंड्स होम यू कैन कॉल एट एनी टाइम ऑफ द डे, आई नो दैट वी आर द फ्रेंड्स होम यू कैन कॉल एट एनी टाइम ऑफ द डे, यार माना कि हम दोस्त हैं जिसको तू दिन में किसी भी समय कॉल कर सकता है, लेकिन तू हमारी दोस्ती का अनुचित लाभ उठा रहा है, बट दिस इज यू टॉकिंग अनड्यू एडवांटेज ऑफ आवर फ्रेंडशिप, बट दिस इज यू टॉकिंग अनड्यू एडवांटेज ऑफ आवर फ्रेंडशिप, लेकिन तुम्हारी दोस्ती का अनुचित लाभ उठा रहा है। आगे देखते हैं गाइज, देखो तीर कमान से निकल चुका है, लुक द एरो हैज़ बीन शॉट, लुक द एरो हैज़ बीन शॉट, देखो तीर कमान से निकल चुका है, इसका परिणाम कुछ दिनों में निकल जाएगा, द रिजल्ट विल बी आउट इन अ फ्यू डेज, द रिजल्ट विल बी आउट इन अ फ्यू डेज, इसका परिणाम कुछ दिनों में निकल जाएगा, जल्दी हमें पता चल जाएगा कि निशाना किसने मारा और कौन चूक गया, सून वी विल नो हु हिट द टारगेट एंड हु मिस्ड, सून वी विल नो हु हिट द टारगेट एंड हु मिस्ड, जल्दी हमें पता चल जाएगा कि निशाना किसने मारा और कौन चूक गया। आगे देखते हैं गाइज, प्लीज सो जा और सोने दे यार, प्लीज गो टू स्लीप एंड लेट अस स्लीप एज वेल, प्लीज गो टू स्लीप एंड लेट अस स्लीप एज वेल, प्लीज सो जा और सोने दे यार। तब आगे है गाइज, यहाँ पे इसके फादर इसको खाना खिला रहे हैं, बोलते हैं जब तक अच्छा खाना मिल रहा है खा लेना चाहिए, इंजॉय द गुड फूड वाइल यू कैन, इंजॉय द गुड फूड वाइल यू कैन, जब तक अच्छा खाना मिल रहा है खा लेना चाहिए। कुछ दिनों में तू हॉस्टल जाएगा, यू विल बी स्टेइंग इन अ हॉस्टल इन अ फ्यू डेज, यू विल बी स्टेइंग इन अ हॉस्टल इन अ फ्यू डेज,
कुछ दिनों में तू हॉस्टल जाएगा और हॉस्टल के मेस का खाना कैसा होता है पता है? डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट हॉस्टल फूड टेस्ट लाइक? और हॉस्टल के मेस का खाना कैसा होता है पता है? ये बोलता है मैं उसे भी सहन कर लूँगा, आई टॉलरेट दैट एज वेल, मैं उसे भी सहन कर लूँगा, मैं सिर्फ सिलेक्ट होना चाहता हूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू गेट सिलेक्टेड, मैं सिर्फ सिलेक्ट होना चाहता हूँ। तब ये बोलता है बेशक तू सिलेक्ट हो जाएगा, ऑफ कोर्स यू विल गेट सिलेक्टेड, बेशक तू सिलेक्ट हो जाएगा, तुमने बहुत मेहनत से पढ़ाई की है, यू हैव स्टडीड हार्ड, तुमने बहुत मेहनत से पढ़ाई की है, एग्ज़ाम अच्छा गया है, यू हैव रिटन योर पेपर्स वेल, बेकार में टेंशन ले रहा है तू, यू आर अननेसेसरीली गेटिंग वरीड, बेकार में टेंशन ले रहा है तू। तब ये बोलता है गाइज आपको टेंशन नहीं हुई थी, वरंट यू वरीड, आपको टेंशन नहीं हुई थी, आप वैसे भी चिंतित क्यों होते, व्हाई वुड यू बी वरीड एनीवे, आप वैसे भी चिंतित क्यों होते, आप जीनियस थे, ऑल इंडिया रैंक 384 आई थी आपकी, यू आर ए जीनियस योर ऑल इंडिया रैंक वॉज 384, आप जीनियस थे, ऑल इंडिया रैंक 384 आई थी आपकी, मैं 2000 के अंदर सिलेक्ट हो जाऊं तो पागल हो जाऊंगा, I'll go crazy even if I am anywhere in the top 2000, मैं 2000 के अंदर सिलेक्ट हो जाऊं तो पागल हो जाऊंगा। तब इसके फादर बोलते हैं गाइज पिछले 2 महीने से तूने अपना दिमाग खराब करके रखा हुआ है, ओवर द लास्ट टू मंथ्स यू हैव लॉस्ट योर माइंड, पिछले 2 महीने से तूने अपना दिमाग खराब करके रखा हुआ है, इससे अच्छा एक गर्लफ्रेंड बना लेता, यू शुड हैव गॉटन योरसेल्फ अ गर्लफ्रेंड इंस्टेड, इससे अच्छा एक गर्लफ्रेंड बना लेता। तुझे पता है कितनी शॉर्टेज है इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़कियों की, डू यू नो देयर इज़ अ ह्यूज शॉर्टेज ऑफ गर्ल्स इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज, तुझे पता है कि कितनी शॉर्टेज है इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़कियों की। आगे बोलता है गाइज मम्मी भी तो वहीं मिली थी ना आपको, डिंट यू मीट मॉम देयर, मम्मी भी तो वहीं मिली थी ना आपको। तब ये बोलता है गाइज सबकी किस्मत आपके पापा की तरह खराब नहीं होती, बट नॉट एवरी वन इज़ एन अनफॉर्चुनेट एज योर डैड, सबकी किस्मत आपके पापा की तरह खराब नहीं होती। तो गाइज आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।